Good evening, everyone. I, Anupama, welcome you all at the Sahul classes. So today we are going to start our lecture number 25 of the English Master Cadre. Question series ko start karne se pehle video ko like kar dijiye, channel ko subscribe kar dijiye. Agar kisi ne nahi kara hai, to subscribe kar dijiye and don't forget to press the bell icon. So that you continue to get important notifications on time. हाँ जी, तो start करते हैं हम आज के हमारे question series. When was Matthew Arnold born? Matthew Arnold का birth कब हुआ था? 24th December 1822, 24th November 1833, 24th October 1844 या 24th August 1855. When was Matthew Arnold born? हाँ जी. When was Matthew Arnold born? किस ईयर में, किस डेट को? देखो, एक चीज हमें पता है तो हमारा सारा आंसर ठीक हो जाएगा, है ना. हमें ईयर भी पता है, जैसा कि मैं वैसे भी आप लोगों को ज्यादातर कहती हूँ कि ईयर याद कर लिया करो. ईयर्स ही ज्यादा पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है. यस, 24th December 1822, वेरी राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. कल्चर एंड एनार्की 1869 written by Matthew Arnold was, इसका एक तरह से आपको यानर बताना है. It was a comedy, tragedy, essays or sonnet. हाँ जी, Culture and Anarchy, जो कि 1869 में पब्लिश हुआ था, मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है, इसका यानर क्या था? And I know it is very easy to answer. Yes, it was a collection of essays. बिल्कुल सही, it was a collection of essays. Right. Question number 3. Which phrase was taken by Matthew Arnold from Jonathan Swift's book, The Battle of the Books? कौन सा phrase Matthew Arnold ने Swift से borrow किया था उसके work, The Battle of the Books में से? Barbarian and Philistine, Hebraism and Hellenism, Sweetness and Light, Culture and Anarchy. Yes, which phrase was taken by Matthew Arnold from Jonathan Swift's book, The Battle of the Books? Battle of the Books. Yes, it is Sweetness and Light. Very right. बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का. The phrase which Matthew Arnold borrowed from Swift was Sweetness and Light. Question number 4. What is the most important word coined by Matthew Arnold in relation with criticism in his work, The Study of Poetry? हाँ जी, Matthew Arnold ने कौन सा work coin किया था? वर्ड कॉइन किया था अपने इस वर्क द स्टडी ऑफ पोइट्री में. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टचस्टोन, इंटेंशनल पॉलिसी या अथॉरियन पॉलिसी? विच वर्ड वॉज कॉइंड बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन हिज वर्क द स्टडी ऑफ पोइट्री? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट, द टचस्टोन मेथड, जिसमें उसने जो है एक अच्छे राइटर की पहचान करने का तरीका बताया था थ्रू कंपेरिजन, है ना. कंपेरिजन करके जो है उसने एक अच्छे राइटर की, एक अच्छे पोइट की पहचान करने का तरीका बताया था. क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, हु लैक्स हाई सीरियसनेस? मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग, अगेन यही वाला जो उसका एसे है द स्टडी ऑफ पोइट्री में, वो बात करते हैं हु लैक्स हाई सीरियसनेस. चौसर, ब्राइडन, पोप और शेली? अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, हु लैक्स हाई सीरियसनेस? यस, Who lacks high seriousness? Absolutely right. जी, it was Chaucer. देखो, हम उसको classical writer मानते हैं, हम उसको father of English literature बोलते हैं, हम उसको father of English poetry बोलते हैं, लेकिन फिर भी Arnold ने कहा that he lacks high seriousness. ठीक है? Question number 6. Who denounces the romantic poets for ignoring classical works? कौन सा poet जो है, कौन सा writer जो है, वो रोमांटिक राइटर्स को डिनाउंस करता है, क्रिटिसाइज करता है, कंडेम करता है कि वो क्लासिकल वर्क्स को इग्नोर करते थे? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, आर्थर ह्यू क्लफ, रॉबर्ट ब्राउनिंग या मैथ्यू आर्नल्ड? हु डिनाउंसेस, हु क्रिटिसाइजेस द रोमांटिक पोएट्स फॉर इग्नोरिंग क्लासिकल वर्क्स? विच राइटर क्रिटिसाइज द रोमांटिक राइटर्स? यस, वेरी राइट, इट वॉज मैथ्यू आर्नल्ड. बिल्कुल सही जवाब आप सभी का, इट वॉज नन अदर देन मैथ्यू आर्नल्ड. देखो,
इसके अगले वाले रोमांटिक के बाद वाले जो पोएट्स है ना, जो हमने पोप वगैरह में भी ये पढ़ा कि ये जो राइटर्स थे ये क्लासिकल, इसीलिए उस एज को नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता था, ये क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं विक्टोरियन राइटर्स भी जो है उनके स्टाइल को, उनकी थीम्स को फॉलो करते थे, लेकिन रोमांटिक राइटर्स बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड इन विच दीज लाइंस अकर। ये कौन सी वर्क में से लाइंस ली गई हैं? एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। सोहराब एंड रुस्तम, डवर बीच, बॉल्डर डेड और ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, जिसमें बेसिकली बात करी है राइटर ने मॉडर्निज्म की, कि हम जो है इस अंधेरी दुनिया में बस जो है आर्मीज की तरह, इग्नोरेंट आर्मीज की तरह, पता नहीं है किसी को कि किस हम किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, पर हम लड़ रहे हैं। ठीक है, यस, इट इज टॉक्ड अबाउट, दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम डवर बीच। वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एलिजाबेथ गास्कल वॉज अ प्रोलिफिक ऑथर ऑफ नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड। वॉट वॉज हर फुल नेम प्रायर टू हर मैरिज टू विलियम गास्कल इन 1832? हाँ जी, एलिजाबेथ गास्कल का कंप्लीट नेम जो है उसकी शादी से पहले क्या था? एलिजाबेथ मोल्टन बेरेट, एलिजाबेथ रिग्बी एस्क्लेग, एलिजाबेथ मिसिंग सीवल और एलिजाबेथ क्लेगहॉर्न स्टीवनसन। यस, द राइट आंसर इज एलिजाबेथ क्लेगहॉर्न स्टीवनसन। वेरी राइट आंसर। एलिजाबेथ क्लेगहॉर्न स्टीवनसन, शादी होने से पहले दिस वॉज हर कंप्लीट नेम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द एलिजाबेथ गास्कल्स नॉवेल्स वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड अनोनिमसली? एलिजाबेथ गास्कल का कौन सा नॉवेल अनोनिमसली पब्लिश हुआ था? क्रैनफोर्ड, नॉर्थ एंड साउथ, वाइव्स एंड डॉटर्स या मेरी बार्टन? एलिजाबेथ गास्कल का कौन सा नॉवल अनॉनिमसली विदाउट हर नेम पब्लिश हुआ था? क्रैनफोर्ड, नॉर्थ एंड साउथ, वाइव्स एंड डॉटर्स या मेरी बार्टन? हाँ जी, कौन सा नॉवल अनॉनिमसली पब्लिश हुआ था एलिजाबेथ गास्कल का? राइट आंसर, मेरी बार्टन। बिल्कुल सही, इट इज मेरी बार्टन। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी बार्टन एंड नॉर्थ एंड साउथ प्रोवाइड डिटेल्ड इनसाइट इनटू द लाइव्स ऑफ द पुअर, पर्टिकुलरली दोज लिविंग एंड वर्किंग इन द रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग सिटीज ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। हाउ माइट दीज नॉवल्स बी डिस्क्राइब? हाँ जी, पुअर लाइफ के बारे में बताया है, इंडस्ट्रियलाइजिंग सोसाइटीज के बारे में बताया है, तो इन नॉवेल्स को हम क्या कह के डिस्क्राइब करेंगे? गॉथिक नॉवेल्स, अपिसलरी नॉवेल्स, सोशल नॉवेल्स या फिलोसॉफिकल नॉवेल्स? क्या कह के हम इन नॉवेल्स को डिस्क्राइब करेंगे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी विल कॉल देम सोशल नॉवेल्स। वेरी राइट आंसर, वी विल कॉल देम सोशल नॉवेल्स। एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन 1857 एलिजाबेथ गास्कल रोट अ बायोग्राफी ऑफ विच फेमस फेलो फीमेल इंग्लिश नॉवलिस्ट? 1857 में एलिजाबेथ गास्कल ने किस इंग्लिश नॉवलिस्ट की बायोग्राफी लिखी थी? शार्लेट ब्रॉन्टे, एना स्वेल, जेन ऑस्टन या जॉर्ज इलियट? किसकी ऑटोबायोग्राफी? यस, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, शार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी लिखी थी, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन व्हाट ईयर वाज एलिजाबेथ गास्कल बॉर्न? एलिजाबेथ गास्कल का बर्थ किस ईयर में हुआ था? 1800, 1820, 1830, 1810? हाँ जी, किस ईयर में बर्थ हुआ था एलिजाबेथ गास्कल का? राइट, शी वॉज बॉर्न ऑन 29 सितंबर 1810। जी, 29 सितंबर 1810, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज एलिजाबेथ गास्कल्स पेन नेम? एलिजाबेथ गास्कल का पेन नेम क्या था? मॉली गिब्सन, चार्ल्स स्पर्जियन स्मिथ, करर बेल और कॉटन मैथर्स मिल? हाँ जी, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ एलिजाबेथ गास्कल? योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज कॉटन मैथर मिल्स। वेरी राइट, कॉटन मैथर मिल्स
है एलिजाबेथ गास्कल का पेन नेम था. वेरी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन वाज मैरी बार्टन पब्लिश्ड. मैरी बार्टन किस ईयर में पब्लिश हुआ था. 1848, 1839, 1849 या 1850. व्हाट वाज द ओरिजिनल पब्लिशिंग डेट ऑफ मैरी बार्टन. हाँ जी, कब पब्लिश हुआ था मैरी बार्टन. जी बिल्कुल सही, ये पब्लिश हुआ था 1848 में. वेरी राइट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1848. राइट. क्वेश्चन नंबर 15. लेडी डेडलॉक इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस. लेडी डेडलॉक डिकेंस के कौन से नॉवल की कैरेक्टर हैं. लेडी डेडलॉक, डिक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड या हार्ड टाइम्स. हाँ जी, लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड या हार्ड टाइम्स. सो यस, शी इज अ कैरेक्टर इन लीक हाउस. वेरी राइट आंसर, शी इज अ कैरेक्टर इन लीक हाउस. क्वेश्चन नंबर 16. द बेसिक थीम ऑफ आर्नल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा. अगेन ये एक प्रोज वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का. इसकी थीम आपको बतानी है. थियोलॉजी, कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सोशल चेंजेस इन विक्टोरिया या आर्ट एंड लिटरेचर. व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ आर्नल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा. सो द बेसिक थीम ऑफ आर्नल्ड्स लिटरेचर एंड डॉगमा इज, वेरी राइट, इट इज थियोलॉजी, इट इज रिलीजन. ठीक है, थियोलॉजी किसको कहते हैं, रिलीजन को. राइट, रिलीजियस स्टडी को एक्चुअली. राइट, so its theme is religious study, theology. Question number 17. Matthew Arnold's Tiresias is an elegy written on the death of. किसकी death पे लिखी है ये elegy Matthew Arnold ने. Edward King, Milton, Hugh Clough या Arthur Hallam. अपने friend की death पे elegy लिखी थी, but you have to tell the name of that friend. Edward King, Milton, Hugh Clough, Arthur Hallam. Yes, your answer is absolutely correct. It was Hugh Clough. Very right. It was Hugh Clough. Question number 18 से पहले आप लोगों के लिए information. हमारे सभी subjects के master cadre के paid group start हो चुके हैं, तो please उन्हें ज़रूर join कीजिए. ETT के भी हमारे batches जो हैं start हो चुके हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे से इस exam के लिए prepare करना चाहते हैं, तो do join these paid groups, do get connected to Saval classes so that you can definitely qualify this exam. उसके लिए हमारी जो classes लगती हैं वो हमारी app पे लगती हैं जिसका नाम है Saval Abohar. ये आप Play Store से download कर सकते हैं या फिर इसका जो link है वो दिया हुआ है description box में video के नीचे, और वहीं पे आपको सारी information मिल जाएगी. Demo sessions भी जो हैं आप लोगों के लिए वहाँ अवेलेबल हैं. आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. हर सब्जेक्ट के डेमो सेशंस अवेलेबल हैं, और फीस कितनी पे करनी है, किस तरीके से पे करनी है, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 18. हु डिफाइंस पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी. किसने ये डेफिनेशन दी थी पोइट्री की. नहीं जी नहीं, 1912 नहीं है प्रेम कुमार. आई थिंक हमने 1888 करा था. हाँ जी, यस इट इज मैथ्यू आर्नल्ड. बिल्कुल सही. अगेन अपने ऐसे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहाँ से लिया है, ली है ये लाइन, तो वापस उसके ऐसे स्टडी ऑफ पोइट्री में से. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19. हार्डी कोट्स शेक्सपियर रिमार्क्स एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पॉट. हाँ जी, शेक्सपियर का ये रिमार्क हार्डी ने अपने कौन से वर्क में यूज किया है. एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पॉट. ये स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं मक्खियाँ मारते हैं मस्ती करते हुए, उसी तरीके से
गॉड जो है अपना टाइम पास करने के लिए इंसानों को मारता है, इंसानों को सजा देता है, क्योंकि जो हार्डी भी पेसिमिस्ट था तो उसने ये पेसिमिस्ट लाइन जो है शेक्सपियर के वर्क में से उठाई। किस वर्क में यूज करी है ये? टेस में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जूड द ऑब्सक्योर या द रिटर्न ऑफ द नेटिव? हाँ जी, कौन से वर्क में यूज करी है ये लाइन? एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज, आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट? जी कौन से वर्क में यूज करी है ये लाइन? एज वी टू द एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज, टू द वॉन्टन बॉयज, वी टू द गॉड द किलर्स फॉर देयर स्पोर्ट। टेस्ट में यूज की है, डाउटफुल आंसर्स आ रहे हैं, बड़े सारे मिक्स मिक्स से आ रहे हैं। इट इज टेस्ट। जी प्रेम कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे ज्यादातर जवाब दे रहे थे जूड, इसीलिए मैं वेट कर रही थी। नो, इट इज टेस्ट। टेस्ट में यूज किया है ये सेम स्टेटमेंट। जी कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बच्चे मैं एक बार फिर से रूटलेज की बुक में चेक कर लूंगी डेट, ठीक है? वेसेक्स पोएम्स की विल मेक इट क्लियर टू यू ऑन मंडे, ठीक है? मंडे को क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20। डिकिन्स सेड अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स, आई लाइक दिस द बेस्ट, विच नॉवेल ही इज रेफरिंग टू? डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑलिवर ट्विस्ट? किस नॉवेल के लिए ये चीज बोली डिकिन्स ने, आई लाइक दिस द बेस्ट, अपने किस नॉवेल के लिए? हाँ जी, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या ऑलिवर ट्विस्ट? यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज डेविड कॉपरफील्ड। और इसी नॉवल के लिए डिकिन्स ने कहा था कि जैसे माँ बाप को सारे बच्चे इक्वली प्यारे होते हैं, पर फिर भी कोई एक उनका फेवरेट होता है, ठीक है? उसी तरीके से ये मेरा फेवरेट नॉवल है, राइट? ये भी स्टेटमेंट जो है डेविड कॉपरफील्ड के लिए दी थी, अगर ये आपको कोट आ जाए तो, ठीक है? दैट डेविड कॉपरफील्ड इज माय फेवरेट चाइल्ड, राइट? क्वेश्चन नंबर 21। विच नॉवल वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय गास्कल? इनमें से कौन सा नॉवल अनफिनिश्ड है एलिजाबेथ गास्कल का? सिल्वियाज लवर्स, नॉर्थ एंड साउथ, वाइव्स एंड डॉटर्स या क्रैनफोर्ड? ये के गलती से आ गया यहाँ पे। हाँ जी, कौन सा नॉवल जो है इट वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय एलिजाबेथ गास्कल? जी यस, आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स। इट्स वाइव्स एंड डॉटर्स। वेरी राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वाइव्स एंड डॉटर्स। क्वेश्चन नंबर 22। विच कंट्री मेक्स द सेटिंग ऑफ बटलर्स यूटोपियन नॉवल्स लाइक एरेहॉर्न? बटलर के यूटोपियन नॉवल्स की सेटिंग इनमें से कौन सी कंट्री होती है ज्यादातर? इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड या कनाडा? विच कंट्री मेक्स द सेटिंग ऑफ बटलर्स यूटोपियन नॉवेल्स लाइक एरेहॉर्न? इज इट इंग्लैंड, इज इट अमेरिका, न्यूजीलैंड और कनाडा? जी बिल्कुल सही आंसर, इट इज न्यूजीलैंड। वेरी राइट, इट इज न्यूजीलैंड। जी क्वेश्चन नंबर 23। विच नॉवल ऑफ गास्कल पोर्ट्रेज अ मॉरलिस्टिक लव स्टोरी? कौन से नॉवल में एलिजाबेथ गास्कल ने एक मॉरलिस्टिक लव स्टोरी डिपिक्ट करी है? मैरी बार्टन, वाइव्स एंड डॉटर्स, सिल्वियाज लवर्स या क्रैनफोर्ड? कौन सी नॉवल में मॉरलिस्टिक लव स्टोरी? यस, इट इज सिल्वियाज लवर्स। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, इट इज सिल्वियाज लवर्स, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। रग्बी चैपल इज अ पोयम रिटन बाय आर्नल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, हिज ब्रदर, हिज फादर या फ्रेंड?
a very famous poem, a very much known about poem. किसके लिए लिखी थी ये? जी, yes. Again हमारा option लगातार C C C आ रहे हैं, है ना? Yes, it was written for his father. बिल्कुल सही. अपने father Thomas Arnold के लिए जो है ये poem लिखी थी रग्बी चैपल. Question number 25. Friendship's garland is a dash by Matthew Arnold. हाँ जी, friendship garlands का यानर आपको बताना है. Dash, it's a dash by Matthew Arnold. Poem, drama, prose, novel, क्या है? Friendship's garland. जी, it's a poem, it's a drama, it's a prose work, or it's a novel. जी, it's a prose work. देखो वापस से सी आ गया, ठीक है? It's a collection of essays, right? जी, ये collection of essays है, right? So it's a prose work. चलिए, question number 26. How would you classify George Eliot's novel Romola? Oh my God, the question is repeated again. George Eliot की novel Romola को कैसे classify करेंगे आप? Historical novel, realistic novel, sentimental novel या gothic novel? I asked you the same question yesterday. Yes, it is a historical novel. Very right. It is a historical novel. बिल्कुल सही जवाब. Question number 27. A Woman of Contradictions is the subtitle of dash biography written by The Life of Elizabeth Gaskell by Jeremy Taylor, The Story of George Eliot by Jeremy Taylor, The Biography of George Eliot by Jeremy Taylor. हाँ जी, A Woman of Contradictions किसका subtitle है? कौन सी बायोग्राफी का subtitle है? Is the subtitle of dash written by dash? The Life of Elizabeth Gaskell by Jeremy Taylor, The Story of George Eliot by Jeremy Taylor, The Biography of George Eliot by Jeremy Taylor. हाँ जी, ध्यान से पढ़िए इस टाइटल को. A Woman of Contradictions. So it is the biography of George Eliot. जी बिल्कुल, आपने सही आंसर दिया है. It is the biography of George Eliot. चलिए, question number 28. God is in his heaven and all is right with the world. This line occurs in. ये लाइन कहां से ली गई है? God. नहीं प्रेम कुमार, it is the biography. In fact, जो टाइटल है वो पूरा ऐसे है. George Eliot, फिर आगे ये आता है. ये बायोग्राफी भी लिखा नहीं आता है. या फिर कहीं कहीं पे, एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, या फिर कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ जॉर्ज. हाँ जी पलविंदर, मैं वही बताने लगी थी. और इट इज रिटन एज द लाइफ ऑफ जॉर्ज इलियट. किसी किसी जगह पे मैंने ये अकेला जॉर्ज इलियट लिखा पड़ा है और फिर ये सबटाइटल, और किसी किसी जगह पे मैंने ये लिखा पड़ा है द लाइफ ऑफ जॉर्ज इलियट और फिर ये सबटाइटल. तो आप ये दोनों देख लीजिएगा, ठीक है? ये दोनों देख लीजिएगा. और obviously अगर ये वाला दिया हुआ है द लाइफ ऑफ जॉर्ज इलियट, तो आप इसी को ही प्रेफर करोगे, ठीक है? फिर आप इसी को ही प्रेफर करोगे, ठीक है जी? हाँ जी, यस, दिस लाइन अकर्स इन पिपा पासेस. गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 29. लॉर्ड टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन. लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरिएट किस ईयर में अपॉइंट हुए थे? 1850 में, 1860 में, 1870 में या 1880 में?
जी, ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1850. एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. राइट, ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1850. क्वेश्चन नंबर 30. द कैरेक्टर मैगी एंड टॉम टुलिवर बिलोंग्स टू. मैगी एंड टॉम टुलिवर कौन से नॉवल के कैरेक्टर्स हैं? मिडिल मार्च, एडम बीड, डेनियल डेरोंडा या द मिल ऑन द फ्लॉस? जी, सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले. अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, हु रिमेन्ड ऑन दिस पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इट वॉज टेनिसन. राइट, इट इज मिल ऑन द फ्लॉस. वेरी राइट, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर. क्वेश्चन नंबर 31. द पोयम द पैट्रियट इज रिटन बाय. पैट्रियट किसकी पोयम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जॉन डन की, मैथ्यू आर्नल्ड की या एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की? हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम द पैट्रियट? हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम पैट्रियट? रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉन डन, मैथ्यू आर्नल्ड और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? जी, इट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. वेरी राइट आंसर, द राइटर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. ब्राउनिंग है बच्चे, ब्राउनिंग. क्वेश्चन नंबर 32. द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज रिटन बाय अलेक्जेंडर डूमास, सोमरसेट मॉगम, एल्डस हक्सली या थॉमस हार्डी. देखो, ऑप्शंस ने कितना इजी बना दिया ये काम, है ना. द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसका नॉवल है ये? मुझे खुद ही आंसर कर देना चाहिए. यस, इट इज रिटन बाय थॉमस हार्डी. वेरी राइट आंसर, इट इज रिटन बाय थॉमस हार्डी. यस. क्वेश्चन नंबर 33. विच एज वॉज वन ऑफ द प्रॉस्परस एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? किस एज को सबसे प्रॉस्परस एज कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या ऑगस्टन एज? विच एज इज कॉल्ड द वन ऑफ द प्रॉस्परस एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? जी, वेरी राइट, इट इज विक्टोरियन एज. वेरी राइट आंसर, इट इज विक्टोरियन एज. क्वेश्चन नंबर 34. एलिजाबेथ गास्कल्स नॉवल मेरी बार्टन इज सब टाइटल. मेरी बार्टन का सब टाइटल क्या है? अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, द टू नेशंस, अ स्टोरी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ या द फैक्ट्री गर्ल? हाँ जी बच्चे, वो भी हम डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है. हाँ जी, एलिजाबेथ गास्कल्स नॉवल मेरी बार्टन इज सब टाइटल जी, इट इज अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ. वेरी राइट आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सैमुअल बटलर्स एरेहॉर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सैमुअल बटलर का एरेहॉर्न किसका एग्जाम्पल है? यूटोपियन लिटरेचर, फेमिनिस्ट लिटरेचर, वॉर लिटरेचर और फेमिनिन लिटरेचर? वट काइंड ऑफ लिटरेचर, वट काइंड ऑफ अ वर्क सैमुअल बटलर्स एरेहॉर्न इज? जी, बिल्कुल सही जवाब, इट इज अ यूटोपियन लिटरेचर. एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट इज यूटोपियन लिटरेचर. फॉर टुमारो अगेन वी विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम विक्टोरियन एज, ठीक है. और बेसिकली फोकस करेंगे नॉवलिस्ट्स पे, ठीक है. डिकिन्स है, हार्डी है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, इलियट हैं, ठीक है. सो जस्ट रिवाइज द विक्टोरियन एज नॉवलिस्ट्स. बच्चे प्लान करेंगे, ओ यस, आई विल बी मीटिंग यू ऑन मंडे नाउ, ठीक है. न्यू बैच प्लान करेंगे. पेपर का कोई आइडिया नहीं है बच्चे, इवन आई फील सो कि इलेक्शंस के बाद ही होने के चांसेस हैं. बच्चे फेमिनिस्ट एक मूवमेंट है, शुरू करी थी मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट जैसे राइटर्स ने. और फेमिनिन, फेमिनिन इज द जेंडर क्वालिटी, राइट. फेमिनिन इज द जेंडर क्वालिटी और फेमिनिस्ट एक मूवमेंट है. पेपर का कोई आइडिया नहीं है बच्चे तक, देयर इज नो आइडिया. बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते चलो, ठीक है. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. हैव
Have a very good day. Keep learning, keep working hard.